जयपुर रसद विभाग की अवैध गैस सिलेंडर और गैस भरने की मशीनों पर कार्रवाई। जयपुर रसद विभाग ने आज शहर के कई स्थानों पर अवैध गैस सिलेंडर और गैस भरने की मशीनों में कार्रवाई की। इस कार्रवाई में गैस भरते वाहनों को जब्त किया गया और सिलेंडर और मशीनें सीज की गईं। रसद विभाग के अधिकारी रामचंद्र शेरावत, राजेश प्रवर्तन, पूजा शर्मा और ज्योति सुंडा ने कार्रवाई की और इस क्रियाकलाप में पुलिस की टीम भी मौजूद रही। ये कार्रवाई इंडिया दस्तक न्यूज की कुछ दिन पहले चलाई गई खबर के बाद हुई है। रसद विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और अवैध गैस सिलेंडर और मशीनों का इस्तेमाल न करें। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। ये रिपोर्ट है हमारे संवाददाता मोहम्मद नफीस की। इंडिया दस्तक न्यूज की खबरों का असर जल्दी होता है। अगर कोई इसी तरह की खबरें हो तो आप संपर्क कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं। इंडिया दस्तक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं शास्त्री नगर, जो कि एक बंगाली बस्ती का एरिया है, जहां हमारी खबर की जो हमने खबर चलाई उस पर आज कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है। सबसे पहले खबर हमने दिखाई, अवैध तरीके से गाड़ियों के अंदर जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो भर देते पाए गए। हमारी टीम ने जब सरकार से और अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो सरकार ने तुरंत एक्शन में आके उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए, आप ये देख सकते हैं कि ये अधिकारी और पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, जो कि काफ़ी संख्या में सिलेंडर और जो गैस रिफिल कारों में की जाती है वो मशीन यहाँ मौजूद है। सरकार ने अपनी जब्ती बना दी है, सरकार अपना काम कर रही है। अब हम कुछ हमारे साथ जो अधिकारी हैं मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सब आज जो यहाँ जब्ती हुई है तो क्या संख्या है और क्या चीज़? आज हमने अवैध रिफिलिंग की जो काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी कलेक्टर साहब को भी और दूरभाष पर हमें रसद विभाग को भी मिल रही थी और पुलिस को भी मिल रही थी, तो आज हमने दो जगह नारिका नाका में छापा मारा और छापा में जो हमें एक जगह दो घरेलू सिलेंडर और दो उसमें अवैध रूप से भरे जाने वाले सिलेंडर प्राप्त हुए और उसको हमने मौके पर जो मशीन थी पाइप सहित जो ऑटो में भरी जा रही थी उसको जब्त किया और दूसरी जगह हमने 13 गैस घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए और उसमें एक गैस एक जो मोटर है जिसे गैस भरे जाना सिद्ध होता है और एक जो काटा है तोलने का वो जब्त किया। मौके पर पुलिस और रसद विभाग की टीम मौजूद है और हमने आगे कार्रवाई के लिए कलेक्टर साहब को पेश किया जाएगा, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम साहब? रामचंद्र शेरावत, प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय जयपुर प्रथम। ये हमारे साथ थे रसद विभाग के अधिकारी, जो कि अपनी मुस्तैदी के साथ अपनी कार्रवाई पे खड़े उतरे। सरकार के पास मुहिम ये है, सरकार तक आप खबर पहुंचाएं पर उस पर कार्रवाई होगी। मैं मोहम्मद नफीस, जयपुर से।